Scholars Valley, a home of education. Playgroup to class 8, call 9235442970. Near Ukar Hospital, Sundarpur, Varanasi. Education partner with Tata Class 8. सार्थक सर्जिकल सेंटर, जहां अत्याधुनिक लिथोट्रिप्सी मशीन द्वारा गुर्दे की पथरी का बिना ऑपरेशन के सफल इलाज, एक ही छत के नीचे सारी सुविधाओं के साथ एक संपूर्ण हॉस्पिटल, एकता चौराहा पहाड़िया वाराणसी। अर्जुन सिंह। अर्जुन, कब से सीख रहे हो? मैं 3 साल से सीख रहा हूँ। आखिर क्यों, कैसे तुम्हें पसंद आया आर्चरी? जब बाहुबली फर्स्ट निकली थी तो मैंने पापा से जिद की थी कि पापा मुझे आर्चरी खरीद दो, इसलिए पापा ने खरीद दिया। क्या देखा था तुमने ऐसा बाहुबली में जो तुम्हें पसंद आ गया? उसने एक साथ 3 तीर चलाई थी। अच्छा, अब तो कैसे अब सीख लिया तुमने पूरा? क्या क्या टेक्निकल होता है उसमें? में बहुत सारे टेक्निक होते हैं। कैसे, क्या क्या? स्टांप, ग्रिप, हुक, फिर स्क्रीन को खींचना पड़ता है। अभी तुम गए थे वर्ल्ड कप खेलने के लिए, कैसे, कितने बड़े बड़े बच्चे थे, डर लगता था कि नहीं लगता था? मुझे नहीं लगता था। वहाँ गए थे तो तुमसे बड़े बड़े बच्चे थे? हाँ। क्या था? बहुत बड़े बड़े थे। तुमको हराया? हाँ। अच्छा, वहाँ गए थे वर्ल्ड कप खेलने के लिए तो किन किन बच्चों से तुम्हारा वो फिट हुआ था? फिर बस बहुत दुगने बच्चे थे, उनसे मेरा वर्षे हुआ था। मैं फाइनल में जाके हारा था। सिल्वर लेकर? अपने देश से मैंने सिल्वर लेके आया। कहाँ प्रैक्टिस करते हो? मैं नीचे प्रैक्टिस करता हूँ। अच्छा, कैसे भी प्रैक्टिस करते हो? हाँ। अच्छा, ये तुम्हें आर्चरी सिखाने के लिए सबसे ज़्यादा कौन कौन लोगों ने तुम्हारी मदद की थी? मम्मा पापा सर। पापा किस तरीके से हेल्प करते हैं? पापा मेरी बो बनाते हैं और मुझे अच्छे से सिखाते हैं। और मामा? मम्मी मुझे हमेशा बचाती है पापा से। और कोच सर कैसे तुम्हें ट्रेनिंग करते हैं? कोच और अच्छे करते हैं। मेरा नाम शशिकला सिंह है। मैम, अर्जुन आपका बेटा है? हाँ, अर्जुन मेरा बेटा है। मैम, किस तरीके से आप लोगों ने ट्रेन किया, कितना सहयोग रहा आपका? हमारा तो ये है कि बेटा बचपन से ही इस बाहुबली देखने के बाद उसने चाहा कि नहीं, मुझे तीर धनुष चाहिए है, तो उसके पापा ने तीर धनुष मंगा दिया। उसके बाद मेरा तो है कि हाँ, खाने पीने पर पूरा ध्यान देती हूँ, और उसके पापा बहुत मेहनत करते हैं उसके पीछे, उसको सुबह उठाना, उसको एक्सरसाइज कराना, उसके बाद फिर ट्रेनिंग देना। सर लोगों के बाद फिर पापा का ही रहता है कि पूरा ट्रेन पापा ही करते हैं। किस तरीके से मेहनत करता है अर्जुन? बहुत मेहनत करता है, सुबह 3:30 बजे उठ जाता है, उसके बाद फिर रनिंग करना, रनिंग करने के बाद फिर नीचे आता है तो अपना दूध दूध पी के फिर ऊपर जाके आर्चरी करना, ये सब चीज़ें उसकी रहती है 7:00 तक। फिर 7:30 बजे स्कूल चले जाता है, फिर स्कूल से आता है, 1 घंटे रेस्ट करेगा, रेस्ट करने के बाद फिर अपना शाम की पढ़ाई होती है। हाँ, ये बस पढ़ाई के बाद जो थोड़ा बहुत समय मिलता है उसमें बहुत ज़्यादा बदमाशी करते हैं, और बस बाकी तो ठीक है, अपना थोड़ा बहुत मस्ती करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर अजय सिंह है और मेरा बेटा है अर्जुन, जो तीरंदाजी करता है। सर, कितने साल की उम्र से ये तीरंदाजी करते हैं और ये शौक कहाँ से आया?
ये लगभग 3 साल की उम्र के थे तब से इन्होंने पहली बार बाहुबली मूवी रिलीज हुई थी उसमें एक साथ देखे तीर धनुष तीन तीन एरो चलाते हुए, तो इनको बड़ा इंटरेस्ट आया कि हम भी तीरंदाजी करेंगे। फिर ये बिल्कुल विजिट कर लिए कि नहीं मुझे तीर धनुष मंगा दीजिए, तो मुझे पता नहीं था हमारे आसपास आर्चरी तीरंदाजी होती नहीं थी। तो बहुत पता करने के बाद मुझे पता चला कहीं यहाँ लोकल में एक जगह होता है। मैं कोच को अप्रोच किया तो उन्होंने कहा नहीं अभी बहुत छोटा है, जब तक 8 साल का नहीं हो जाता है तब तक हम इसको आर्चरी नहीं सिखा सकते हैं। लेकिन ये जीत पड़े हुए थे कि नहीं मुझे करना ही है, मेरे लिए आप तीर धनुष मंगवा दीजिए। तो पहली बार किसी तरह से किसी जानकार से पूछ करके मणिपुर से हमने इनके लिए लकड़ी की धनुष मंगवाई थी। उस दिनों ये उससे आर्चरी करने के बाद जो इनके कोच थे उन्होंने कहा कि नहीं ये रिकॉर्ड, क्योंकि रिकॉर्ड से ही आप इंटरनेशनल मैच खेल सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि इनको अगर प्रैक्टिस देनी ही है तो रिकॉर्ड से दिया जाए ताकि आगे भी ये भविष्य में अच्छा कर सकें। तो फिर हमने इनके लिए रिकॉर्ड वाली धनुष मंगाई जो कोरिया में बनती है, इंडियन कंपनी की, काफ़ी महंगी आती है, जो 2.5 लाख रुपये की कीमत थी जो हमने इनके लिए मंगाई। और पहले ही साल इन्होंने स्टेट चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया, मेरठ में हुआ था 15 अक्टूबर को, उसमें भी इनको मेडल मिला था। इसके बाद ये पहली बार में ही नेशनल के लिए सेलेक्ट हो गए थे। नेशनल हुआ था विजयवाड़ा में 23rd से 28th 2017 के बीच में, उसमें भी इनका परफॉर्मेंस बाकी बच्चों के अलावा अच्छा लगा। मेडल तो वहाँ नहीं मिला था लेकिन परफॉर्मेंस इनका बहुत ही अच्छा था। अगले साल भी ये स्टेट चैम्पियनशिप रहे 2018 में, 2019 में भी इन्होंने स्टेट चैम्पियन अपने यूपी में अपने अंडर 9 में, यहाँ होता है तो अंडर 9 में ये स्टेट चैम्पियनशिप ये जीतते हैं अभी तक को, और नेशनल में ये प्रतिभा करते हैं। अभी फिलहाल ये वर्ल्ड कप खेल के आए हैं जी, क्या रहा वहाँ का इनका टूर, क्या मतलब इनको इतनी छोटी उम्र में वो लोग वहाँ देखते थे तो क्या कहते थे? बिल्कुल छोटी उम्र में उनकी, खैर चाइना में तो वहाँ की भाषा समझना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वो अपनी भाषा पे ही जोर देते हैं, तो मुश्किल से 10 में से 1 आधी लोग होते हैं जो इंग्लिश बोलते भी हैं और समझते भी हैं। तो ये समझ में आता था उनके एक्सप्रेशन से कि नहीं ये लोग बड़ा इसको पसंद कर रहे हैं, जूम करके इसकी फ़ोटो लेना, फिर हमारे साथ इसकी फ़ोटो, क्योंकि हम ही गए थे वहाँ पे, तो इसकी और हमारी फ़ोटो कई बार उन्होंने शूट की। लोगों के लिए सबसे कम उम्र के बच्चे, हाँ लोगों के लिए ये था कि ये सबसे कम उम्र का, लगभग 8 साल की उम्र के बाद तो आर्चरी चालू होती है और ये 6 साल की उम्र में इन्होंने इतना आगे तक गया है। तो मकाओ में किस तरीके से लोगों को टक्कर दी और किनसे किनसे इनके? देखिए मकाओ में जो एक्चुअली अंडर 12 का टूर्नामेंट हो रहा था, हालांकि उसमें बच्चे कुछ उस उम्र से भी ज़्यादा के ही लग रहे थे हमें, क्योंकि हमने जो फ़ोटो ली है उनके उससे पता चल रहा है कि बच्चे बड़े भी थे, तो जो एक्चुअल अंडर 12 के थे वो तो बाहर हो गए थे। एक अर्जुन ही थे जो बचे हुए थे उनको टक्कर देने के लिए, इसलिए भी सबके लिए बड़ा अट्रैक्शन था कि छोटा बच्चा और इतने बड़े बच्चों को टक्कर दे रहा है। क्वार्टर फाइनल में इसने जब हराया तो वहाँ सारे लोगों को ये उम्मीद हो गई थी कि ये अब हराएगा ही, क्योंकि इसके एरो बिल्कुल भी सटीक लग रहे थे, तो ये उम्मीद हो गई थी। तो सारे कुछ सारा मैच जो है इसी की तरफ फोकस था, सारे लोग इसी को देख रहे थे कि ये क्या कर रहा है। उसके बाद इसमें सेमीफाइनल में अभी बच्चा उतना ही बड़ा था, लगभग 2 गुनी उम्र से बड़ा था, उसको उन्होंने 6-0 से हराया, मतलब लगातार इन्होंने 3 मैच जीत लिया, 5 में से 3 जीतना होता है, क्वार्टर फाइनल भी और सेमीफाइनल भी, ये दोनों मैच बिल्कुल भी इन्होंने आसानी से जीत लिया और फाइनल में जा करके ये हारे हैं। मेरा नाम सचिन वैजमान, मैं मेरठ से बिलोंग करता हूँ। सचिन जी, ये अर्जुन, इसको किस तरीके से आपने ट्रेन किया और जब आपने पहली बार अर्जुन को देखा तो क्या मन में आया? वैसे सबसे छोटा है क्या? मैंने पहले इसके पहली बार देखा, स्टेट चैम्पियनशिप हुई थी हमारी मेरठ में अंडर 9 और अंडर 14 की, तो ये खेलने गया था कि वहाँ चैम्पियन बना। मैंने सर से तभी बात किया, मैंने सर अच्छा खेलेगा इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। सर ने बहुत मेहनत की, सर अपना हॉस्पिटल बीच में छोड़ के आ जाते हैं इसके लिए, और ये भी जितना इससे हम सोचते हैं उससे ज़्यादा ही करता है, मैंने कम नहीं किया अभी तक। बहुत लोगों को आपने ट्रेनिंग दी होगी? हाँ ट्रेनिंग बहुत लोगों की, ये बहुत यूनिक है क्योंकि ये छोटा है। जो मैंने आर्चर को ट्रेनिंग दी है वो लगभग 10-12 साल से आते थे मेरे पास, लेकिन जब मैंने उसको पहली बार देखा है 3 साल का था। अभी तो आप लोगों को स्टेडियम में ट्रेनिंग देते हैं, कई बच्चे होंगे, लेकिन इसके लिए किस तरीके की फैसिलिटी मिली है, कहाँ पर ये ट्रेन होता है? घर पे ट्रेन होता है या जयपुर या स्कूल में, वहाँ भी अकेले आर्चर है, इसका कोई पार्टनर तो है नहीं। अभी हम सोच रहे हैं कि अर्जुन जैसे हम और भी बच्चे तैयार कर सकें, इसके लिए हम अभी एक आर्चरी की अकेडमी खोलने का
माइंड में चल रहा है, इसका और अच्छा हो सके, इसके साथ साथ दूसरे बच्चे भी अपना जो माइंड में रखते हैं कोई देश के लिए करने का जज्बा, वो दब ना जाए। चाइना में इन्होंने कैसे इंडिया को रिप्रेजेंट किया? चाइना में तो बहुत अच्छे खेले हैं, जितने भी आर्चर जहाँ थे हाइट के हिसाब से सभी छोटे थे, जिसके साथ ये फाइनल में खेल रहा था ये उससे 1.5 फीट छोटा होगा कम से कम। भारत इस तरीके से माने तो इंडिया के लिए सबसे छोटे आर्चर है जो मेडल लेके आया है।